अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरहान अली, मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ और यूनिकेयर मेडिकल सेंटर शादमान में एज ए आई स्पेशलिस्ट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव लेज़र सर्जरी के बारे में, यानी क्या लेज़र के ज़रिए ऐनक उतर सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। जो ऐनक उतरने का जो ऑपरेशन है आजकल, इसको जो लेटेस्ट लैंग्वेज में दो इसके अंदर ऑपरेशन हो सकते हैं, एक लैसिक कहलाता है और एक PRK कहलाता है। आमतौर पर ये ऑपरेशन हम उस उम्र में तजवीज़ करते हैं जब ऐनक का नंबर बढ़ना रुक चुका हो। तो आमतौर पर 18 साल की उम्र तक ऐनक का नंबर जो बढ़ना होता है वो रुक चुका होता है, और जब ये नंबर आपका एक साल तक स्टेबल हो तो उसके बाद आप ये ऑपरेशन करवा सकते हैं। और इसकी जो दूसरी लिमिट है कि किस उम्र तक करवा सकते हैं, यूजुअली तो हम रिकमेंड करते हैं कि 40 साल की उम्र तक, क्योंकि 40 साल के बाद फिर नज़दीकी ऐनक लगानी पड़ती है। तो नज़दीकी ऐनक जो है वो लेज़र से नहीं उतर सकती, तो लेकिन दूर की ऐनक बहरहाल उतर जाती है। जो आपकी दूर की नज़र है कमज़ोर है वो ऐनक उतर जाएगी, चाहे आप 40 साल के बाद भी करवा लें, 40 साल से पहले तो आप करवा ही सकते हैं। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि कितने नंबर तक ऐनक जो है हम उतरवा सकते हैं। तो आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसके साथ डिपेंडिंग अपॉन के आपकी आँख का जो कंडीशन है वो कैसी है, आँख की जो पुतली है कॉर्निया है उसकी थिकनेस कितनी है, तो उसके मुताबिक हम फैसला करते हैं। ये कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं पहले। आमतौर पर जो माइनस नंबर है वो -10 तक -11 तक के ग्लासेस भी उतर सकते हैं, और जो प्लस का नंबर है उसके अंदर आमतौर पर +4 तक का जो ग्लासेस हैं वो ईजिली उतर सकते हैं। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी आई की कंडीशन कैसी है, आपके कॉर्निया का जो शेप है वो कैसी है। तो वो एक टेस्ट होता है ग्लीली स्कैन, वो करने के बाद फैसला करते हैं क्या ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। जो इसमें दो प्रोसीजर्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो ट्रांस PRK और फेमटोलैसिक प्रोसीजर है। इसमें डिफरेंस क्या है, जो फाइनल आउटकम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो नज़र है वो एक महीने के बाद दोनों में समझें बराबर होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो ट्रांस PRK है उसमें एक दिन तक पेशेंट को थोड़ा सा पेन भी रहता है, और इसमें विजन को रिकवर होने में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, जबकि जो फेमटोलैसिक है उसमें चंद घंटों के बाद ही पेशेंट की नज़र जो है विजन वो रिकवर हो चुकी होती है और पेशेंट अगले दिन से ही ठीक देख सकता है, जबकि इसमें पेन भी बहुत कम होता है। तो फेमटोलैसिक ज़्यादा लेटेस्ट और एडवांस प्रोसीजर है, जबकि ट्रांस PRK भी इसके लिए इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है, लेकिन फेमटोलैसिक से फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके अंदर टाइम लगता है 3 से 4 हफ्ते मुकम्मल तौर पर रिकवरी होने में। जहाँ तक सवाल है कि इसके लेज़र के नुकसान क्या हो सकते हैं, ज़्यादातर ये अब इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत हाई है। यूजुअली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो रिज़ल्ट ही हमें मिलता है, क्योंकि अब जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो अवेलेबल है इस वक्त, उसके ज़रिए इसके अंदर एरर का चांस बहुत कम रह गया है। फिर भी तकरीबन 1000 में से 1% में ये चांस होता है कि उसमें ऐनक का नंबर कम्प्लीटली ना उतरे, या थोड़ा सा नंबर रह जाए, ऐनक दोबारा लगानी पड़े या दोबारा लेज़र करनी पड़ सकती है। जबकि 10,000 में से भी 1% में चांस है कि उसकी नज़र पहले से भी कम हो जाए। तो रिस्क तो है, लेकिन वो 0.0001% है कि आपकी नज़र डैमेज हो जाए, जबकि 99% ये इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। तो इसलिए किसी प्रोसीजर की अगर एफिकेसी 99% हो तो हम उसे सेफ़ प्रोसीजर ही शुमार करते हैं। तो इस हवाले से ये एक सेफ़ प्रोसीजर है, लेकिन दोबारा एम्फसाइज़ मैं करूँगा कि इसके लिए हमें पेशेंट का पहले मुआयना करना ज़रूरी है कि उसकी आईज़ की कंडीशन कैसी है। इसके बाद ये सवाल कि लेज़र करवाने के कितने अर्से बाद आप काम कर सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा फेमटोलैसिक में और ट्रांस PRK दोनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन घर में आराम करना पड़ता है, जबकि उसके बाद आप 3 से 4 दिन के बाद अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें आप अपना मोबाइल का यूज़ भी कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस का काम भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी काम कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का आप रेस्ट आपके लिए ज़रूरी है, और वैसे भी जो PRK है उसके बाद जो कॉन्टैक्ट लेंस हम लगाते हैं वो भी हम 1 हफ्ते बाद उतरवा देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 1 वीक मैक्सिमम इसके लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है। 1 वीक के बाद आप अपना ऑफिस वर्क और डेली होमवर्क वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी हमने फेमटोलैसिक के बारे में और ट्रांस PRK के बारे में जो बातचीत की है, इससे आप लोगों के क्वेश्चंस और क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो गई होंगी।
इसके अलावा भी अगर मजीद आप कुछ जानना चाहते हैं इसके वाले से मजीद क्वेश्चंस हैं तो जो नंबर पेज पे आ रहा है आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उनको एड्रेस कर लेंगे। थैंक यू।